जैसे को तैसा। एक सारस और एक लोमड़ी की मित्रता हो गई। एक बार लोमड़ी ने सारस को भोजन पर निमंत्रित किया। उसने सूप तैयार किया और उसे दो सपाट तश्तरियों में परोसा। चलो खाने की शुरुआत करें। लोमड़ी ने सारस से कहा और सूप चाटना शुरू कर दिया। बड़ा मजेदार है ना? वह सूप चाटते चाटते बोली। सारस ने सूप की सुगंध ली। उसके मुंह में पानी आ गया, पर सूप की एक बूंद भी उसके मुंह तक नहीं पहुंची। उसकी चोंच लंबी थी और तश्तरी सपाट। उसे समझ आ गया कि धूर्त लोमड़ी ने उसके साथ मजाक किया है। लेकिन सारस चुप रहा। वह देखता रहा और लोमड़ी सारा सूप चट कर गई। अगले दिन सारस ने भी लोमड़ी को भोजन का निमंत्रण दिया। उसने कुछ मछलियां दो संकरे मुंह वाली सुराहियों में परोस कर लोमड़ी से कहा, आओ खाना शुरू करें। उसने अपनी लंबी चोंच सुराही में डाली और मजे से एक एक करके मछली खाने लगा। मछली खाते खाते उसने लोमड़ी से कहा, मैंने इतनी स्वादिष्ट मछलियां आज तक नहीं खाई। मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए इतनी स्वादिष्ट मछलियों का प्रबंध किया है। शर्माओ मत, जी भर कर खाओ। पर लोमड़ी एक भी मछली नहीं खा पाई, क्योंकि सुराही का गला बहुत तंग था। उसके भीतर तक उसका मुंह नहीं पहुंच सका। लोमड़ी को बहुत दुख हुआ। वह समझ गई कि सारस के साथ उसने जो शरारत की थी, उसी का फल उसे भुगतना पड़ रहा है।